जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का 7th T20 मैच के बारे में। और ये जो मैच है भाई, आपको गल्फ जेंट्स वर्सेस वाइपर्स के बीच में खेला जाएंगे भाई, डिजर्ट वाइपर्स के बीच में। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा भाई। ये जो मैच आपको भारत के टाइम के अनुसार रात को 8 बजे खेला जाएंगे, अभी भी ये मैच स्टार्ट होने में काफी टाइम बचे हैं भाई। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ, विकेट कीपर में किस प्लेयर को लेना चाहिए और बैटिंग डिपार्टमेंट पे रन बनाने वाले प्लेयर कौन है, ऑलराउंडर्स पे भाई यहाँ पर रन बनाने के साथ साथ विकेट टेकिंग कौन कर रहे हैं, और गेंदबाजी में इकोनॉमी वाइज बॉलर कौन है भाई, ये सारा जानकारी आपको मैं बताऊंगा। और दोनों टीम लास्ट मैच में कौन सा टीम से जीते, कौन सा टीम से हारे, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताऊंगा भाई। और यहाँ पर इन दोनों टीम के बीच में हेड टू हेड कितने बार है, पिच रिपोर्ट क्या रहने वाले, दोनों टीम की फॉर्म क्या है, ये सारा जानकारी आपको मैं बताऊंगा। आपको कुछ प्लेयर्स का नाम लूंगा भाई, वो 6 प्लेयर होंगे, वो 6 प्लेयर कौन है भाई, इस वेन्यू पे सबसे ज्यादा रन बनाए और उनको क्यों टीम में लेना चाहिए भाई, चाहे आप स्मॉल लीग खेलो और या ग्रैंड लीग खेलो, जो भी लीग आप खेलो भाई, लेकिन वो 6 प्लेयर्स को आपको कंपलसरी टीम में रखना चाहिए। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसी वीडियो पे दूंगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई। एंड पहले बार आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और फाइनल टीम फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा भाई, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में भी दे चुका हूँ। तो चलिए भाई, यहाँ पर पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको मैं बेहतरीन टीम बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा भाई इन दोनों टीम की फॉर्म क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर गल्फ जेंट्स ने यहाँ पर लास्ट 2 मैच में 1 मैच जीते, 1 मैच हार के भाई, लास्ट मैच हार के आ रहे, और यहाँ पर डिजिट वाइपर्स भी लास्ट मैच हार के आ रहे। कौन से टीम से हारे भाई, एक बार देख लेते हैं। तो गल्फ जेंट्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस एमिरेट के खिलाफ 18 रन से यहाँ पर हार के आ रहे थे भाई। और वही अगर देखा जाए तो वाइपर्स की, तो वाइपर्स अबू धाबी के खिलाफ भाई यहाँ पर 6 विकेट से हार गए थे वाइपर्स टीम। तो यहाँ पर दोनों टीम हार के आ रहे। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। वेन्यू रिपोर्ट अगर देखा जाए तो पिच रिपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएंगे भाई। पिच बैलेंसड है और गुड फॉर फेस बॉलर्स है भाई, फेस बॉलर्स को ज्यादा मदद मिल रहा है। वेदर की ओवरकास्ट क्लाउड से भाई, कोई बारिश होने की संभावना नहीं है। और लास्ट 5 T20 में इस ग्राउंड पे 140 150 160 रन तक बन सकते हैं। और यहाँ पर टोटल विकेट देखा जाए तो लास्ट 5 T20 में 60 विकेट मिले भाई। फेस बॉलर्स में 42 विकेट और स्पिन बॉलर्स में 18 विकेट है। तो वो फेस बॉलर कौन किसको लेना चाहिए, स्पिन डिपार्टमेंट में किसको फोकस करेंगे, तो थोड़ा यहाँ पर हमारा टीम ग्रैंड लीग जीतने के लिए, स्मॉल लीग जीतने के लिए चांसेस है, ये भी जानकारी आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ड्रीम टीम के लिए पॉइंट्स है भाई, इतना पे ध्यान मत देना। तो यहाँ पर आपको वो जो 6 है उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतते हैं भाई, यहाँ पर लास्ट 5 साल से इस ग्राउंड पे पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेते हैं भाई, 69% देते हैं। और टीम बॉलिंग फर्स्ट भी नहीं, यहाँ पर इस ग्राउंड पे 61.54 मतलब 62% है। यहाँ पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीत रहे हैं, पहला बैटिंग करने वाली टीम 38% है। तो यहाँ पर टॉस जरूर क्रूशियल रहेगा भाई, जो भी टीम टॉस जीतेगा पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेगा भाई, यहाँ पर इसका मतलब है सेकंड बैटिंग करने का चांसेस ज्यादा हाई रहने वाले। तभी आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर इस वेन्यू पे टॉप प्लेयर है दिस वेन्यू। तो पहला नाम आते हैं भाई एडम होस। एडम होस यहाँ पर इस मैच में, इस ग्राउंड पे एक ही मैच खेले, 45 रन बनाए, 150 के स्ट्राइक रेट के साथ, तो इनको कंफर्म कीजिएगा। जेम्स मिंसी यहाँ पर इस वेन्यू पे 5 मैच खेले भाई, यहाँ पर 22 रन पर एवरेज, इसका मतलब भाई यहाँ पर 5 मैच में 110 रन बनाए, 104.76 के स्ट्राइक रेट के साथ। उसके बाद यहाँ आते हैं भाई सिमरन हेटमायर। तो लास्ट 5 मैच में देखा जाए तो 100+ यहाँ पर देखा जाए तो 104 रन बनाए भाई, 138+ स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी किए। उसके बाद गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो क्रिस जॉर्डन लास्ट 5 मैच में 10 विकेट लिए, और यहाँ पर इकोनॉमी रेट 5.8 है भाई। उसके बाद टाइमल मिल्स ने लास्ट 5 मैच में 9 विकेट लिए, 8.6 इकोनॉमी रेट है भाई। और शादाब खान ने लास्ट 5 मैच में 16.80 मतलब यहाँ पर 8 विकेट लिए भाई यहाँ पर, तो और यहाँ पर 6.3 इनकी इकोनॉमी रेट है। तो ये जो 6 प्लेयर्स है भाई, इनको क्यों लेना चाहिए आपको तो पता चल गया। तो पहले यहाँ पर 6 प्लेयर्स को कंफर्म कर लेना, तो अभी आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर कौन कौन सा प्लेयर और है वो मैच को बदल सकते हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो जॉर्डन कॉक्स है, यहाँ पर स्मिथ और टी सूरी है भाई। तो यहाँ पर मैं एक ही विकेट कीपर जॉर्डन कॉक्स को यहाँ पर मैं कंफर्म कर रहा हूँ भाई, स्मिथ को अवॉइड करूंगा यहाँ पर। एलेक्स सेल्स यहाँ पर भले यहाँ पर लास्ट मैच में फ्लॉप हुए हैं, लेकिन ये प्लेयर कमाल का भाई, तो आप इनको टीम पे रखिएगा। उसके बाद जेम्स विंस एक कमाल का प्लेयर है, और यहाँ पर कोलिन मुंड्रो को लेना भाई, यहाँ पर एडम होस एक अच्छा पिक है। आप चाहे तो यू खान को ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर इनको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। तो देख सकते हो भाई यहाँ पर मैंने जॉर्डन को क्रिकेट कीपर, एलेक्स सेल्स, जेम्स विंसी, कोलिन मुंड्रो और एडम होस को मैंने कंफर्म किया। तो अभी हम लोग को ऑलराउंडर्स और बॉलर्स को भी कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले भाई आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी दे चुका हूँ भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हम दुबई का लीग भी कवर कर रहे हैं भाई,
और इसके साथ साथ बांग्लादेश प्रीमियर लीग कबड्डी भी यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। तो काफी जैसे अपने लॉस को रिकवर कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि मेरे लॉस रिकवर करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में भी दे चुका हूँ भाई। अगर लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पे जाके आपको इस प्रकार सर्च कर लेना है @shatrughan225। अगर आप इस प्रकार सर्च करोगे तो मेरे चैनल हो जाएगा भाई, आप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर आपको मैं बताने चाहूंगा अभी बाकी जो प्लेयर्स है उनको क्यों पिक करना चाहिए। तो वनिंदो हंसरंगा कमाल का प्लेयर है भाई, उसके बाद जेमी वॉवर्टन है, सदाब खान अगर खेलते हैं तो आप इनको जरूर टीम पे रखिएगा। यहाँ पर करीम जन्नत, बास्ती रेड्डी, रोहन मुस्तफा जैसे प्लेयर्स है भाई। तो यहाँ पर आपको मैं बास्ती रेड्डी को लेने के लिए सलाह दूंगा क्योंकि भाई एक कमाल का बॉलर है, अच्छे बॉलिंग करते हैं, इनके लाइन एंड लेंथ भी अच्छा रहता है, तो बास्ती रेड्डी को ले रहा हूँ भाई। उसके बाद मोहम्मद अमीर भले लास्ट मैच में फ्लॉप रहे लेकिन एक कमाल का प्लेयर है भाई। क्रिस जॉर्डन को ले रहा हूँ यहाँ पर, मुजीबुर रहमान को मैं ड्रॉप करूंगा भाई, और डोमिनिक ड्रेक्स को यहाँ पर मैं कंफर्म कर रहा हूँ भाई। डोमिनिक ड्रेक्स यहाँ पर एक कमाल का बॉलर है। उसके बाद टाइमर मिल्स है भाई, अब चाहे तो इनको भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैं 6 प्लेयर्स में इनका भी नाम लिया था भाई लेकिन इस मैच में मैं अवॉइड करूंगा फिलहाल के लिए। तो ये जो टीम है पहले टीम को मैंने सेव करके रख लिया। अब ये आते हैं भाई कैप्टन वाइस कैप्टन पे किसको लेना चाहिए। तो कैप्टन पे भाई नो डाउट यहाँ पर वनिंदो हंसरंगा, भले लास्ट मैच में फ्लॉप रहे लेकिन इनको मैं कैप्टन बनाऊंगा। और वाइस कैप्टन पे देखा जाए भाई यहाँ पर जेम्स विंसी को ले लीजिए, जेम्स विंसी कमाल का प्लेयर है भाई यहाँ पर। तो एक बार टीम अच्छे से देख लेना भाई यहाँ पर, आपको तो मैं ऑलरेडी टीम भी दिखा चुका हूँ यहाँ पर, तो अच्छे से टीम देख लेना। यहाँ पर विकेट कीपर बैट्समैन एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऑलराउंडर पे वनिंदो हंसरंगा, जेमी वॉर्टन, बास्ती रेड्डी है भाई यहाँ पर, गेंदबाजी में आमिर, क्रिस जॉर्डन, डोमिनिक ड्रेक्स है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर आपको वनिंदो हंसरंगा और यहाँ पर जेम्स विंसी है, लेकिन यहाँ पर कुछ और प्लेयर्स है, एलेक्सिस क्रिकोलिन मुंड्रो एक अच्छा पिक है भाई। उसके बाद यहाँ पर जेमी वॉवर्टन को ले सकते हो और मोहम्मद अमीर और यहाँ पर क्रिस जॉर्डन, ये जो प्लेयर्स है भाई ये सारे प्लेयर्स आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए 100% फिट बनेंगे। तो आप ये भी प्लेयर्स को आप जरूर ट्राई कर लीजिएगा। तो ये जो टीम है भाई पहले टीम को आप सेव करके रख लेना क्योंकि लाइनअप अनाउंस होने के बाद समय ज्यादा नहीं मिलते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बैकअप तो ऐड नहीं करूंगा भाई यहाँ पर, तो ये टीम को आप सेव करके रख लीजिए। फाइनल टीम फर्दर अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो भाई मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट जो मैच है उसको भी कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू, जय हिंद।